हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये सन पंडित ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का वीडियो है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं इसके बारे में बताया था, तो आप देख सकते हैं उस स्टेबलाइजर का असेंबल जो है दोस्तों, वो आप इस डायग्राम की हेल्प से कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, उसका कनेक्शन किस तरह से किया हुआ है, कहाँ कितने वोल्ट जो है वो निकल रहा है, वो आप इसमें देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो वर्क करता है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.5 kV, 130 वोल्ट से 280 वोल्ट पर ये वर्क करेगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ 220 वोल्ट से 240 वोल्ट सप्लाई जो है वो आउटपुट में निकलेगा। ये आपका आउटपुट सॉकेट है। यहाँ देखिए दोस्तों, आपको इनपुट सॉकेट जो है यहाँ से आपको देना होगा। एक जो है न्यूट्रल के लिए रहेगा, एक लाइन के लिए रहेगा। तो दोस्तों, इधर के साइड को जो हम एक ही वाइंडिंग होता है दोस्तों, पर मैं उसे मान लेता हूँ एक को प्राइमरी। यहाँ जो आप देख रहे हैं 1 से लेकर के 4 तक जो है दोस्तों, तो उसको आप मान लीजिए सेकेंडरी। तो इस तरह से यहाँ 1 से लेकर के 2 तक में है, जो आपको दोस्तों 180 वोल्ट आउटपुट निकलेगा फर्स्ट टर्मिनल पर। दूसरा जो आप देख रहे हैं, दूसरे जो देख रहे हैं दोस्तों, ये लूप जो है वो आपको 200 वोल्ट यहाँ निकलेगा। तीसरा लूप जो है दोस्तों, वो आपको 220 वोल्ट निकलेगा। चौथा लूप में दोस्तों, आपको 240 वोल्ट आउटपुट निकलेगा। तो इस तरह से दोस्तों ये वाइंडिंग हुआ। इसी में जो ये वाइंडिंग है दोस्तों, ये अटैच कहीं रहता है। अगर दोस्तों ये वाइंडिंग अलग से भी किया हुआ रहता है, नहीं तो फिर दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं यहीं से एक वायर निकला हुआ रहता है, तो उससे भी आपको कनेक्शन जो है वो दिया हुआ रहेगा। यहाँ तो मैं यहाँ अलग दिया है, तो इस तरह से मैं बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ देखिए 0 से ये 12 वोल्ट का आउटपुट निकलेगा, फिर यहाँ से जो है 0 से लेके आपको 18 वोल्ट का आउटपुट निकलेगा। दोस्तों, ये जो वर्क करेगा यहाँ पर, जब ये इस तरह से यहाँ जो आप देख रहे हैं न्यूट्रल से लेकर के यहाँ 240 वोल्ट के बीच में जो भी वर्क करेगा दोस्तों, उसके हिसाब से भी आपको यहाँ पर वोल्ट जो है वो 18 वोल्ट निकलेंगे। तो जब ये 18 वोल्ट, जिसके हिसाब से वोल्टेज जो है दोस्तों वो घटेगा बढ़ेगा, उसके हिसाब से आपका रिले भी जो है वो वर्क करता है। तो रिले जो है दोस्तों, ये जो आप रिले देख रहे हैं ये फर्स्ट नंबर का रिले है, ये जो रिले है इसे हम सेकेंड नंबर रिले दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हम इसको फर्स्ट को हम 1 नंबर मान लिए हैं, और ये जो दूसरा में जो दिए हैं ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। उसी तरह से दोस्तों, यहाँ पर भी 1 नंबर 2 नंबर ये 3 नंबर हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो आप 1 नंबर में जो देख रहे हैं वो आपका 180 वोल्ट जो सप्लाई निकलेगा, उससे आपको यहाँ कनेक्ट किया हुआ है। 2 नंबर का जो है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, ये देखिए जहाँ से आपको इनपुट देना होगा। अब ये इनपुट कब वर्क करेगा दोस्तों, उसके हिसाब से जब आपका कार्ड जो है वोल्ट जो जब भी आपको बढ़ेगा या घटेगा, तो उसके हिसाब से आपका कार्ड वर्क करेगा। जो कार्ड में जब दोस्तों हम यहाँ पर इसमें सप्लाई देंगे, जो प्लस और माइनस में जो रहेगा, जो डीसी करंट 18 वोल्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो जब भी इसमें सप्लाई जो निकलेगा दोस्तों इस तरह से, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दोस्तों, तो उसके हिसाब से ये चिपकेगा। अभी देखिए, ये जो आप सेकेंड नंबर जो रिले देख रहे हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, ये आपको डायग्राम में मैं बताया हूँ दोस्तों। तो वो अभी 2 नंबर 3 नंबर पे अभी चिपका हुआ है, 2 नंबर का जो वायर है, तो इस तरह से इससे कनेक्ट हो चुका है दोस्तों। अब जो आप देख रहे हैं कि ये जो है इससे कनेक्ट है 1 नंबर से, जो यहाँ 180 वोल्ट इनपुट में जा रहा है, तो यहाँ जो आपको कनेक्ट करंट जो निकल रहा है दोस्तों, वो आपको 240 वोल्ट यहाँ देखिए आउटपुट में निकल रहा है। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं 3 नंबर का जो वायर है, वो आपको कनेक्ट करने होंगे 220 वोल्ट से, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ जो आप देख रहे हैं दूसरे रिले में 1 नंबर का जो वायर कनेक्ट करना है 200 वोल्ट से, यहाँ जो वायर करना है कनेक्ट 3 नंबर में, वो 240 वोल्ट से करने हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से ये भी कभी आपको वर्क करेगा, ये भी कभी आपको वर्क करेगा, तो दोनों के हिसाब से दोस्तों आपको जो आउटपुट जो मिलेगा वो आपको इन दोनों के वर्क के हिसाब से ही आपको 200 से लेकर 240 वोल्ट के बीच ही सप्लाई आपको मिलेगा। तो इस तरह से कभी इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है दोस्तों, तो ये इससे अटैच हो जाता है, ये छूट जाता है, इसके हिसाब से ये ऊपर से कनेक्ट हो जाएगा। तो यही क्रिया जो होता रहता है दोस्तों, ये दोनों में वो फंक्शन होते रहते हैं। अब यहाँ जो आप देखिए कि ये एक आउटपुट सॉकेट लगा हुआ है, तो इसका जो आप कनेक्शन देखेंगे दोस्तों, इस तरह से न्यूट्रल वायर को मैं एक यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ न्यूट्रल को यहाँ कनेक्ट कर दिया हूँ। यहीं से एक वायर को यहाँ निकाल करके दोस्तों आपको वोल्ट मीटर में कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो आपका एक
लाइन का जो सप्लाई है वो आपको एक स्विच में देना होगा। ये स्विच जो है दोस्तों इससे वोल्ट मीटर के लिए है। अब ये वोल्ट मीटर में सप्लाई जो है वो इनपुट जाएगा, एक आउटपुट से आपको लेके देना होगा। बीच वाले भाग से दोस्तों वो आपको वोल्ट मीटर में देने होंगे। तो जब भी हम इसे ऊपर की ओर स्विच देंगे दोस्तों तो इनपुट सप्लाई बताएगा, जब हम इसे नीचे की ओर इन करेंगे तो इस स्थिति में आपको आउटपुट सप्लाई यहाँ बताएगा। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं दोस्तों दो नंबर का जो वायर है वही आपका आउटपुट का वायर है। अब देखिए दोस्तों ये कार्ड है कि यहाँ एसी में से डीसी में कन्वर्ट होगा, वो आपको ये कार्ड करेगा। इस कार्ड से दोस्तों यहाँ एक वायर देखिए यहाँ शॉर्ट करके यहाँ दिया हुआ है जो नेगेटिव के लिए है, वही वायर फिर यहाँ कनेक्ट किया हुआ है रिले वन और रिले टू में, तो वो आपको नेगेटिव के लिए दिया हुआ है। पॉजिटिव के लिए दोनों के लिए दोस्तों 18 वोल्ट यहाँ और 18 वोल्ट यहाँ सप्लाई निकलेगा। ये जो आप रिले देख रहे हैं दोस्तों 500 ओम 18 वोल्ट डीसी सप्लाई पे ये वर्क करेगा। उसके हिसाब से यहाँ भी देखिए 500 ओम 18 वोल्ट डीसी सप्लाई पर ये दोनों रिले जो है वो वर्क करेगा। तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर कनेक्ट सारा कनेक्शन किया हुआ है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो दोस्तों तो वो आप इस वीडियो की हेल्प से आप कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ आपको आउटपुट निकला हुआ है, यहाँ पर इनपुट सप्लाई देना है। ये देखिए दोस्तों 1.4 एम्पियर जो मैं आउटपुट में लिखा हूँ, तो हार्डली जब भी दोस्तों आप जितना ही इस पर जो भी लोड आपको देना है उसके हिसाब से ये देखिए 1.4 एम्पियर तक ही ये वर्क करेगा। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का फुल डायग्राम है दोस्तों, वो आप इसमें देख सकते हैं। तो इसे आप देख लीजिए, इसे मैं आपको करीब करके दिखा देता हूं और आपका इसके स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों, जिससे आपको करने में आसानी होगा। ये देखिए दोस्तों किस तरह से इसका डायग्राम जो है वो फुल बना हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। ये देखिए यहां से न्यूट्रल और लाइन देने हैं आपको, उसके बाद ये वोल्ट मीटर में कनेक्ट होगा, फिर यहाँ इनपुट आउटपुट एक स्विच लगा हुआ है वोल्ट मीटर के लिए, फिर कार्ड के लिए। तो सेम टू सेम ये जो कनेक्शन आप जो देख रहे हैं दोस्तों वो आपको पिछले वीडियो में, मेरे पिछले वीडियो में आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ये संत पंडित ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर का एक डायग्राम है दोस्तों। इसमें मैं कमेंट में एक पूछा गया था दोस्तों कि आप ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग के बारे में बताएं, तो मैं उसमें भी आपको इसमें सॉल्व कर देता हूँ। ये जो आप देखें दोस्तों ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम से आप फुल कनेक्शन कर सकते हैं। ये जो है आपको ट्रांसफार्मर वाइंडिंग किस तरह से आप करेंगे उसका डायग्राम है दोस्तों। ये सन पंडित का है, 0.5 KVA इनपुट सप्लाई जो आप इसमें देंगे 130 वोल्ट से 280 वोल्ट, आउटपुट जो आपको मिलेगा दोस्तों 220 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट। अब देखिए दोस्तों यहाँ जो आपको इसमें कॉमन से लेकर के यहाँ मैं एन भी लिखा हूँ, यहाँ सी दिया हूँ, तो ये कॉमन है दोस्तों, न्यूट्रल आपको यहीं से देना होगा। तो यहाँ से लेकर के एक नंबर का जो लूप आप निकालिएगा वहाँ पर आपको देना होगा 750 टर्न 27 नंबर वायर से, जिसे हम प्राइमरी मान लेंगे। यहाँ जो है आपको एक नंबर से 4 नंबर तक लूप जो है उसे हम सेकेंडरी मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ जो आपको फर्स्ट लूप निकलने के बाद 138 टर्न देने होंगे 22 नंबर के वायर से, यहाँ जो आप दीजिएगा दोस्तों वो 277 टर्न डालने होंगे 22 नंबर के वायर से। तीसरा लूप निकलेगा दोस्तों, चौथा लूप के लिए आपको 300 टर्न डालने होंगे 22 नंबर के वायर से। तो इस तरह से हम बाइंडिंग करेंगे दोस्तों और इस तरह से हम लूप निकालते जाएंगे। फर्स्ट तक आपको जो देना है 27 नंबर वायर से कनेक्ट कीजिएगा, उसके बाद एक नंबर से लेकर 4 नंबर तक आपको 22 नंबर वायर का यूज करना है। रिले जो है वो आपको यहाँ 18 वोल्ट का अगर लगा हुआ है 500 ओम 18 वोल्ट का, तो उसके लिए आपको 18 वोल्ट सप्लाई लेने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर यहाँ पर 12 वोल्ट का अगर रहता दोस्तों तो उसके लिए आपको 12 वोल्ट की सप्लाई लेने पड़ेगा। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ कनेक्शन कर दिया हूँ। यहाँ आपको 47 टर्न लपेटने होंगे 30 नंबर के वायर से, तो आपको 12 वोल्ट का सप्लाई मिलेगा। फिर यहाँ 67 टर्न लपेटने होंगे 30 नंबर के वायर से, तो 18 वोल्ट का सप्लाई आपको यहाँ पर आउटपुट निकलेगा। अब यहाँ पर आपको कार्ड की हेल्प से दोस्तों वहां पर आपको प्लस माइनस डीसी करंट बना लेनी है जो आपको रिले के लिए ऑपरेट करेगा। तो ये कनेक्ट होगा जहां आपको 500 ओम 18 वोल्ट डीसी रिले यूज होगा।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो आप बॉबिन जो साइज देख रहे हैं वो आपको 1.75 यानी कि दोस्तों 2.25 इंच का आपको बॉबिन यूज करना है। कोर साइज जो रहेगा वो 3 नंबर का रहेगा। वो आप मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, स्टेबलाइजर में जो बना हुआ है वो सेम टू सेम उसी का वाइंडिंग किया हुआ है दोस्तों। यहाँ जो आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है 0.5 kV ये ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर का जो ये फुल डायग्राम है दोस्तों, इसी के हिसाब से आप एक ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके पूरे वीडियो को आप देखिए तभी आपको ये जानकारी मिलेगी। दोस्तों अगर कहीं दिक्कत हो तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख करके उसमें जान सकते हैं। उसमें मैं दोस्तों आपको रिले के बारे में बताया था, क्योंकि उसमें रिले जो है दोस्तों एक खराब हो गया था, तो उसको किस तरह से आप उसको रिपेयर कर सकते हैं वो आप पिछले वीडियो को देख करके कर सकते हैं। बाकी जो आप कनेक्शन करेंगे दोस्तों वो आप इस वीडियो को देख करके करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये डायग्राम में आपको बताया गया है, और आपको प्रैक्टिकल रूप से आपको मेरा फर्स्ट वीडियो देखना होगा, उसमें प्रैक्टिकल में बताया हुआ है। तो उसमें मेनली रूप से दोस्तों रिले के बारे में बताया हुआ है, तो आप रिले को देख सकते हैं किस तरह से अगर रिले अगर टर्टर की आवाज़ करते हैं दोस्तों दोनों रिले, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका मैं बहुत ही करीब से आपको इसके डायग्राम को मैं दिखा देता हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से इसका फुल डायग्राम जो है वो बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों मेरे चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिए।